यहाँ पे अपन यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग बफर क्लास के कुछ मेथड्स, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, और इसको यूज करके हम लोग कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग बफर। जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो भी स्ट्रिंग बनाएंगे स्ट्रिंग बफर को यूज करके उसमें, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे है स्ट्रिंग बफर अपेंड मेथड। द अपेंड मेथड कॉन्कैटिनेट्स द गिवन आर्गुमेंट विद दिस स्ट्रिंग। यहाँ पे हम लोग अपेंड मेथड का यूज करके किसी भी स्ट्रिंग को हम लोग कॉन्केटिनेट कर सकते हैं दूसरे स्ट्रिंग से। अगर हम लोग ने एक स्ट्रिंग बनाया है और कोई दूसरा स्ट्रिंग उसमें अपेंड करना चाहते हैं, अपेंड मीन्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल क्लास स्ट्रिंग बफर एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लिया है स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पे हम लोग ने इनिशियलाइज किया हेलो से, डबल कोट्स में हम लोग यहाँ पे डाल दिए क्योंकि ये स्ट्रिंग बफर एक कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर में हम लोग ने एक स्ट्रिंग को पास कर दिया है। नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे हम लोग ने किया एस बी डॉट अपेंड। एस बी डॉट अपेंड से क्या होगा, और यहाँ पे हम लोग ने पास कर दिया है जावा। तो ये हेलो के जस्ट बाद में यहाँ पे जावा जो है अपेंड हो जाएगा, अपेंड करना मतलब मीन्स ज्वाइन हो जाएगा वहां पे। नाउ ओरिजिनल स्ट्रिंग इज चेंज, मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था हमारा एस बी वो अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसकी नई वैल्यू क्या हो जाएगी, हेलो जावा। हम लोग यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस बी हम लोग इसमें करते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट हेलो जावा इस टाइप से यहाँ पे प्रिंट करेगा। सेकेंड मेथड है यहाँ पे स्ट्रिंग बफर इंसर्ट मेथड। द इंसर्ट मेथड इंसर्ट्स द गिवन स्ट्रिंग विद दिस स्ट्रिंग एट द गिवन पोजिशन। इंसर्ट मेथड से क्या होगा कि हम लोग गिवन पोजीशन पे कोई भी स्ट्रिंग को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल क्लास स्ट्रिंग बफर एग्जांपल टू पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन उसके बाद यहाँ पे लिखे स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया हम लोग इसको हेलो से। इनिशियली स्ट्रिंग क्या है हमारा, हेलो है। अब यहाँ पे एस बी डॉट इंसर्ट हम लोग ने किया और यहाँ पे वन दिया। वन इसका पोजीशन है, जो इंडेक्स होगा वो, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे लेंगे, मतलब जो कैरेक्टर नंबर वन होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है, पोजीशन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5, इस टाइप से पोजीशन होगा। तो फर्स्ट पोजीशन के बाद में हम लोग को क्या इंसर्ट करना है, जावा इंसर्ट करना है। नाउ ओरिजिनल स्ट्रिंग इज चेंज्ड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट्स एच के बाद में यहाँ पे जावा इंसर्ट हो गया है, फिर उसके बाद वापस से ई एल एल ओ, यहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रिंग मिल रहा है। तो यहाँ पे एच जावा ई एल एल ओ इस टाइप का हम लोग को एक नया स्ट्रिंग देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो पोजिशन है वो इस कैरेक्टर्स की पोजिशन होती है, पोजिशन के बाद में वो स्ट्रिंग को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। वो कितना भी बड़ा स्ट्रिंग हो सकता है, और इनका जो पोजीशन होगा ई एल एल ओ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। तो ये था इंसर्ट मेथड। अब थर्ड आते हैं हम लोग यहाँ पे रिप्लेस मेथड में। द रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस द गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिगिन इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे दो इंडेक्स पास करेंगे या फिर दो पोजीशन पास करेंगे। दो पोजीशन हम लोग यहाँ पास करेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन, और वो दोनों पोजीशन के बीच के स्ट्रिंग को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ क्लास स्ट्रिंग बफर एग्जांपल थ्री पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, यहाँ स्ट्रिंग बफर ले लिया हमने एस बी इक्वल टू स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पे इनिशियली हम लोग हेलो से इनिशियलाइज कर दिए। एस बी डॉट रिप्लेस, यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन क्या दिए हम लोग, वन दिए और थ्री दिए। हाँ एस बी डॉट रिप्लेस हमने क्यों किया, स्टार्टिंग पोजीशन दिया वन और यहाँ पे थ्री दिया। तो वन क्या होगा, एच होगा, एच के बाद से स्टार्ट होगा ई एल एल, मतलब सेकेंड और थर्ड यहां तक, तो ई और एल को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस किससे कर देगा, जावा से रिप्लेस कर देगा।
तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस बी, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा एच के बाद, मतलब फर्स्ट पोजीशन के बाद जावा को इंसर्ट कर दिया और ई एल को रिप्लेस कर दिया जावा ने, और लास्ट में एल ओ वैसा का वैसा ही हम लोग को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा फोर्थ मेथड है डिलीट मेथड। डिलीट मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास डिलीट्स द स्ट्रिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिगिन इंडेक्स टू एंड इंडेक्स। यहाँ पे भी हम लोग पोजिशन को पास करके उस पोजिशन के स्ट्रिंग को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, क्लास स्ट्रिंग बफर एग्जाम्पल फोर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर लिया हेलो से। देन उसके बाद यहाँ पे अप्लाई किया एस बी डॉट डिलीट 1, 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 पोजिशन नंबर 1 के बाद एच के जस्ट बाद मतलब ई और 3 तक मतलब 2 और 3, ठीक है 1 के बाद और 3 तक, ठीक है तो ई और एल को क्या कर देगा डिलीट कर देगा। और यहाँ पे हम लोग को लास्ट में क्या स्ट्रिंग मिल जाएगा एच एल ओ। तो इस प्रकार से हम लोग ने स्ट्रिंग में से किसी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को डिलीट कर दिया। तो हम लोग के पास अगर कोई बड़ा स्ट्रिंग है और हम लोग उससे बीच में कोई भी एक स्ट्रिंग को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग बफर क्लास से कर सकते हैं। तो ये था डिलीट मेथड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिवर्स मेथड। द रिवर्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर सॉरी स्ट्रिंग बिल्डर क्लास द रिवर्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास रिवर्स द करंट स्ट्रिंग। ठीक है, हम लोग को अगर रिवर्स करना है स्ट्रिंग को तो हम लोग रिवर्स मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, क्लास स्ट्रिंग बफर एग्जाम्पल 5 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स स्ट्रिंग बफर एस पी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और यहाँ इनिशियलाइज कर लिया हम लोग हेलो से। देन उसके बाद अप्लाई किया यहाँ पे एस बी डॉट रिवर्स। हम लोग को कुछ भी चीज यहाँ पास नहीं करनी है। अगर हम लोग इस एस बी को प्रिंट करते तो हम लोग को आउटपुट कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। ये स्ट्रिंग को कर दिया है रिवर्स, मतलब जो फर्स्ट पोजिशन था अब वो पोजिशन हो जाएगा लास्ट, सेकंड पोजीशन था वो सेकंड लास्ट हो जाएगा, थर्ड पोजीशन था वो थर्ड लास्ट हो जाएगा। इस प्रकार से वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। ओके, नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे स्ट्रिंग बफर कैपेसिटी मेथड। द कैपेसिटी मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास रिटर्न्स द करंट कैपेसिटी ऑफ द बफर। द डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ द बफर इज 16। If the number of character increases from its current capacity, it increases the capacity by old capacity multiplied by 2 plus 2. For example, if your current capacity is 16, it will be 16 multiplied by 2 plus 2 equal to 34. तो यहाँ पे जो current capacity होती है by default जो capacity होगी string buffer class की वो minimum 16 की होगी, मतलब 16 कैरेक्टर्स उसमें होल्ड करके रख सकते हैं। अगर 16 कैरेक्टर से एक कैरेक्टर भी ज्यादा होता है तो वो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा और प्लस 2 करेगा। ये एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो स्ट्रिंग बफर क्लास में उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 के फॉर्मूला से क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, क्लास स्ट्रिंग बफर एग्जाम्पल 6 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। यहाँ पे कोई भी हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर रहे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे हम लोग प्रिंट किए एस बी डॉट कैपेसिटी। कैपेसिटी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करें तो बाई डिफॉल्ट 16 प्रिंट करेगा, इंटीजर वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करता है। देन उसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं एस बी डॉट अपेंड, यहाँ पे हेलो अपेंड कर रहे हैं। हेलो अपेंड किए
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लोग ने किया, एसबी डॉट कैपेसिटी। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या कर, क्या देख रहे हैं कि अभी भी 16 ही है, क्योंकि यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 16 ही होगा। अब यहाँ पे फिर से अपेंड कर रहे हैं, एस बी डॉट अपेंड, और यहाँ पे कुछ बड़ा सा हम लोग स्ट्रिंग ले लिए। फिर देन उसके बाद कैपेसिटी यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो क्या कैपेसिटी दिखाएगा हम लोगों, 16 पहले था, ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 इक्वल टू 34 हम लोग को मिलेगा, मतलब ओल्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, ये एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से ही कैपेसिटी बढ़ाई जाती है किसी भी स्ट्रिंग बफर क्लास की ऑब्जेक्ट की। तो ये था स्ट्रिंग बफर क्लास में कैपेसिटी मेथड। ओके, नेक्स्ट हमारा मेथड है एंश्योर कैपेसिटी। द एंश्योर कैपेसिटी मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास एंश्योर्स दैट द गिवन कैपेसिटी इज द मिनिमम टू द करंट कैपेसिटी। इफ इट इज ग्रेटर देन द करंट कैपेसिटी, इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी बाई ओल्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाई 2 + 2। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर करंट कैपेसिटी इज 16, इट विल बी 16 मल्टीप्लाई बाई 2 + 2। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग की अगर कोई भी मिनिमम कैपेसिटी है, ठीक है, और जो करंट कैपेसिटी होगी, ठीक है, अगर मान के चलो मिनिमम कैपेसिटी जो है वो 16 है, ठीक है, तो अगर 16 कैरेक्टर से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 करेगा, ठीक है। यहाँ एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग ने ले लिए क्लास स्ट्रिंग बफर एग्जाम्पल 7, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहला स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू स्ट्रिंग बफर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से हम लोग उसकी कैपेसिटी प्रिंट कर रहे हैं, तो इनिशियल कैपेसिटी उसको मिलेगी 16। देन उसके बाद यहाँ पे अपेंड हमने किया और यहाँ पे हेलो अपेंड किया, ठीक है। देन उसके बाद फिर से यहाँ पे एस बी कैपेसिटी, एस बी डॉट कैपेसिटी से हम लोग ने कैपेसिटी इसका निकाला, तो कितना मिलेगा यहाँ पे, 16 हम लोग को मिल रहा है। देन उसके बाद फिर से अपेंड किया यहाँ पे, जावा इज माई फेवरेट लैंग्वेज, यहाँ पे हम लोग ने अपेंड कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद फिर से कैपेसिटी यहाँ पे प्रिंट किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 + 2 = 34, दैट इज ओल्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाई 2 + 2। तो हम लोग को अभी कैपेसिटी कितनी मिल रही है, 34 मिल रही है। एस पी के बाद हम लोग ने क्या किया, एंश्योर कैपेसिटी किया 10। मतलब हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसकी जो 16 थी मिनिमम, अब उसको हम लोग 10 करना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, कोई चेंजेस नहीं करेगा उसमें। देन उसके बाद हम लोग फिर से कैपेसिटी अगर इसका प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे अभी भी 34 ही हम लोग को मिलेगा, क्योंकि उससे मिनिमम नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले से उसके पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग मान के चलो नहीं होता, सिर्फ इतना ही स्ट्रिंग होता, तो वो 10 कर देता, कोई दिक्कत नहीं था। देन उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ प्रिंट करते हैं, एस बी डॉट एंश्योर कैपेसिटी 50। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेगा, 34 मल्टीप्लाई बाई 2 + 2, क्योंकि 34 से ज्यादा हो रहा है वो, हम लोग मिनिमम कितना दे रहे हैं यहाँ पे, 50 दे रहे हैं, तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा उसको, 34 मल्टीप्लाई बाई 2 + 2, अब कितना आ जाएगा, नया कैपेसिटी हो गया इसका 70। तो हम लोग यहाँ पे एंश्योर कैपेसिटी से कैपेसिटी को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग अवेलेबल है, अगर वो मिनिमम कैपेसिटी जो है, अगर जो हम लोग एंश्योर कैपेसिटी में पास किए वो उससे ज्यादा है, मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है हमारे स्ट्रिंग में वो ज्यादा है, और यहाँ पे हम लोग कम पास करें, तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग एंश्योर कैपेसिटी के अंदर जो कैपेसिटी वहां पास करेंगे वो उस स्ट्रिंग से ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई कर देगा, ये एंश्योर कैपेसिटी का काम होता है। मतलब अगर मान के चलो हम लोग का स्ट्रिंग छोटा है और फ्री में हम लोग की मेमोरी वेस्ट हो रही है, वहां पे हम लोग को लग रहा है कि 16
कैरेक्टर्स की मेमोरी हम लोग के पास मिल गई है और हम लोग उतना नहीं चाहते, हम लोग 5 का ही चाहते हैं, ठीक है, या फिर 10 का ही चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे 10 डाल देंगे अगर हमारा स्ट्रिंग छोटा ही है तो। और बाकी जो 10 के बाद जो बच गया है 6 कैरेक्टर्स का मेमोरी, उसको फ्री कर देगा। तो ओवरऑल मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ही काम करता है एनश्योर कैपेसिटी।